सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टडी टेस्ट टुडे और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेस्ट टुडे में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, जो एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? तो फ्रेंड्स, आंसर देने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। कम से कम आंसर देने के लिए 5 सेकेंड मिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, बंगलौर में इसरो सैटेलाइट सेंटर है, बंगलौर में। और देखिए फ्रेंड्स, अहमदाबाद में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है। तो सबको अच्छे से समझते चलिए फ्रेंड्स, सभी इम्पोर्टेंट हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? जितने भी क्वेश्चन हैं सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, माइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, इसमें शैवालों का अध्ययन होता है। फाइकोलॉजी में कन्फ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। और देखिए फ्रेंड्स, फ्रेनोलॉजी जो होता है इसमें खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है, फ्रेनोलॉजी में इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, फ्रेनोलॉजी में खोपड़ी का अध्ययन। और देखिए साइटोलॉजी, जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है, तो साइटोलॉजी। तो फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से समझते चलिए, हम सबको अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स होता है, न्यूमिस्मैटिक, तो ऑप्शन हमारा डी से हो जाएगा, न्यूमिस्मैटिक सिक्कों का अध्ययन। और देखिए फ्रेंड्स, एंटेमोलॉजी जो होता है यह कीट पतंगों का अध्ययन होता है, एंटेमोलॉजी। और देखिए फ्रेंड्स, एक्वास्टिक जो होता है इसमें ध्वनि विज्ञान का अध्ययन होता है। अच्छे से फ्रेंड्स आप लोग समझिएगा, सभी इम्पोर्टेंट हैं। एक्वास्टिक्स में ध्वनि विज्ञान का अध्ययन, एंटेमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन, और न्यूमिस्मैटिक्स में सिक्कों का अध्ययन, तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। और देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक स्थित कहाँ है? देखिए डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल एसिड जो होता है वो डीएनए होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ है? हैदराबाद में है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, हैदराबाद। और देखिए फ्रेंड्स, जो नई दिल्ली में है मलेरिया रिसर्च सेंटर है, इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा भी था, नई दिल्ली में मलेरिया रिसर्च सेंटर है, तो अच्छे से समझ लिए फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, आधुनिक वर्गीकरण का पिता लीनियस को कहा जाता है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, लीनियस। और देखिए फ्रेंड्स, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, अरस्तु को, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, जीव विज्ञान जंतु विज्ञान एक ही बात है, तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, और लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, तो दोनों इम्पोर्टेंट है, सबको अच्छे समझ लीजिएगा फ्रेंड्स। और देखिए अगला क्वेश्चन हमारा,
कोशिका का अध्ययन कहलाता है, अभी बताए थे ऊपर फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। बस आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझते चलिए। और देखिए फ्रेंड्स, जो पोमोलॉजी होता है यह फलों का अध्ययन होता है, पोमोलॉजी। और देखिए फ्रेंड्स, जो एंथ्रोलॉजी होता है यह पुष्पों का अध्ययन होता है। इसमें हमेशा फ्रेंड्स कन्फ्यूज रहते हैं, तो देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन होता है, एंथ्रोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन होता है। तो अच्छे से समझ लीजिए फ्रेंड, साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन, अभी बताए थे ऊपर फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, स्लाइडेन तथा स्वान। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन फ्रेंड्स, अच्छे से समझ लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, शैवालों का अध्ययन कहलाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, अभी बताए थे ऊपर फ्रेंड्स, तो आप लोगों को आंसर याद ही होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, शैवालों का अध्ययन माइकोलॉजी, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। पोमोलॉजी अभी बताएं, फलों का अध्ययन साइटोलॉजी में, कोशिका का अध्ययन, तो कन्फ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स, एंथ्रोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन। बस आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है, तो यह पुणे में स्थित है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है, अभी बताए थे ऊपर फ्रेंड्स, शायद आप लोगों को याद ही होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मलेरिया रिसर्च सेंटर यह दिल्ली में, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, दिल्ली में। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, अंगूरों का उत्पादन संबंधित है, मतलब किससे संबंधित है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको अच्छे से करिएगा अभी। तो देखिए फ्रेंड्स, अंगूरों का उत्पादन जो संबंधित होता है वह विटीकल्चर से होता है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, विटीकल्चर। और देखिए फ्रेंड्स, पीसी कल्चर क्या होता है, इसमें मछली पालन का अध्ययन होता है, पीसी कल्चर में, पीसी कल्चर में मछली पालन का अध्ययन। एपी कल्चर में फ्रेंड देखिए, मधुमक्खी पालन का अध्ययन होता है, एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन होता है, फ्रेंड्स अच्छे समझिए। और देखिए फ्रेंड, सेरी कल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन होता है, सभी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, सबको अच्छे से आप समझ लीजिएगा, सभी इम्पोर्टेंट है। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए, इससे जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से वीडियो आप देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट
तो यह इज्जत नगर में है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, रांची में देखिए फ्रेंड्स इंडियन लॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो अच्छे समझ लीजिए जो झारखंड में है। और देखिए फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स राज्य मुंदरी में देखिए क्या है, यह सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट है, राज समुंदरी में जो आंध्र प्रदेश में, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राज मुंदरी जो आंध्र प्रदेश में, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, अच्छे से समझ लीजिएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, पक्षियों से संबंधित अध्ययन को आर्निथोलॉजी, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, आर्निथोलॉजी। और देखिए फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, ऑस्टियोलॉजी, इसमें हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, ऑस्टियोलॉजी में, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, अच्छे समझ लीजिएगा, ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन, आर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन होता है, तो सभी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो देखिए फ्रेंड्स, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान यह गांधीनगर गुजरात में है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, जो लखनऊ में है यह सेंट्रल वनस्पति अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में। और देखिए फ्रेंड्स, प्लाज्मा बैंक खोला गया है, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया है, तो यह दिल्ली में खोला गया, प्लाज्मा बैंक भारत का प्रथम कहाँ खोला गया है, तो दिल्ली में, तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, यह करंट अफेयर्स है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान या करनाल, तो ऑप्शन हमारा ए से हो जाएगा, तो करनाल में है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, वायरस का अध्ययन कहलाता है, भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए, वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी, इम्पोर्टेंट है, सिंपल है फ्रेंड्स, वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी, सिंपल, इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, जो कोस्मोलॉजी होता है, इसमें ब्रह्मांड का अध्ययन होता है, कोस्मोलॉजी में, भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, कोस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का, समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन होता है। और देखिए फ्रेंड्स, इथोलॉजी क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, इथोलॉजी जो होता है, जीवों के प्रजातीय गुट जो होता है उसमें अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्शन हमारा, तो इथोलॉजी में जीवों के प्रजातीय गुण का अध्ययन किया जाता है फ्रेंड्स, तो अच्छे से समझ लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रांपे, तो ऑप्शन हमारा ए से हो जाएगा, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। और देखिए, कल्पक्कम में क्या, ये भी इम्पोर्टेंट, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो कल्पक्कम में देखिए फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक जो रिसर्च होता है वह कल्पक्कम, देखिए कल्पक्कम है कहाँ है, तो यह तमिलनाडु में, तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च वहाँ पे सेंटर है, तो तमिलनाडु में। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान कहाँ है, तो देखिए फ्रेंड्स, सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान यह हैदराबाद में,
तो ऑप्शन हमारा डी से हो जाएगा, हैदराबाद। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? ये तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह एसएससी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर तो यह कहाँ है? गुड़गांव में। तो ऑप्शन हमारा बी से हो जाएगा, इसको तो अच्छे से याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, गुड़गांव में।